अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल शाहिन सिस्टर्स। और अब है दूसरी सहरी और यहाँ पे अम्मी बना रही है पराठा, तो फटाफट से हम लोग सहरी कर लेते हैं। सहरी में बहुत ही कम टाइम है। और जो भी लोग पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम लोग बड़ी ही मेहनत से वीडियोस बनाते हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आती है तो शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपने राय ज़रूर दें कि आपको कैसा लग रहा है हमारा वीडियो, कैसा नहीं लग रहा है। तो चलिए अब फटाफट से सहरी कर लेते हैं। आज मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ पोटैटो नगेट्स। इसके लिए मैंने यहाँ पर 4 आलू को बॉईल करके ले लिया है और अब इसको मैश करना है। तो यहाँ पर मैं एक ग्लास की मदद से इसको मैश कर रही हूँ, और इसके बाद इसमें बहुत सारी चीज़ें डलाएंगी। और चीज़ भी डालनी थी लेकिन चीज़ हम लोग डालना भूल गए थे, इसलिए मैंने चीज़ वाला ऑप्शन एक स्कीप कर दिया। आप चाहे तो चीज़ डाल सकते हैं या आप भी इस चीज़ को स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आलू को मैश कर रख लिया है। इसके बाद हमने मैंने लिया है चाट मसाला, 1 टेबल स्पून आमचूर पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक स्वाद अनुसार, चिली फ्लेक्स, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ी सी हल्दी। अब इन सबको इसमें डाल देना है। इसके बाद इसमें डालेंगे हरा धनिया, इसको अच्छे से बारीक बारीक काट लेना है और इसमें ऐड करना है। इसके बाद कॉर्नफ्लोर लेना है हमें, कॉर्नफ्लोर, और कॉर्नफ्लोर को इस पे 2 टेबल स्पून डालना है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करके इसकी अच्छी सी एक डो बना लेनी है। उसके बाद उसकी छोटी छोटी लोई बनाकर आप जैसा शेप देना चाहे इसे दे सकते हैं। तो यहाँ पे आज दूसरे इफ्तार की तैयारी शुरू हो गई। इफ्तार की तैयारी शुरू कर दी मैंने, और यहाँ पे मैंने आज चावल चढ़ा दिया है। आज दाल चावल बनेंगे, सिंपल खाना बनने वाला है। यहाँ कुकर में फिर से सबसे पहले मैंने चना चढ़ा दिया है एज़ यूजल। यहाँ पर मैंने निकाल दिया सलाद का सामान, और ये बनेगा सामी टिकिया, और यहाँ पे है पकौड़ी के लिए दाल, और ये शादी भी कुछ बना रही है आज, नई रेसिपी है, कुछ आलू की कटलेट आई थी, पता नहीं क्या बना रही है, वो उठेगी तो बनाएगी। ये आलू उसने मिक्स करके रखा हुआ है मसाला, तो फटाफट से मैं सारे काम निपटाती हूँ। असर के अजान से पहले ये सारी चीज़ें कर लेनी है। तो चलिए मिलते हैं ये सारे काम करके आपके साथ। इफ्तार में फ्रूट्स बहुत ही ज़रूरी होता है, हर किसी के घर में फ्रूट्स होती हैं इफ्तार में। तो यहाँ पे फटाफट से हमने फ्रूट्स भी काट लिए हैं, और साथ में सारी चीज़ें मैंने यहाँ रख ली, जिसमें मुझे प्याज काट के रखना है। प्याज काटना एक अलग ही काम है, प्याज की बहुत ज़्यादा खपत होती है रमज़ान में। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्स को ले लिया है, इसको मैंने मिक्सर में पीस करके ब्रेड क्रम्स बना लिया है इसका। और ये जो मैंने आलू पहले से रेडी करके रखा था ये वो हो गई। और अब हमें कॉर्नफ्लोर का एक होल बनाना है। तो पानी ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने सारी बना करके ओवल शेप में रख लिया, और एक मैंने इसमें ये डोनट शेप का बनाया है। और अब इसको फ्राई करने की बारी है।
देन वी विल ऐड अ पिंच ऑफ टर्मरिक मेड शेफ तस्नीम शाहीन एंड नाउ आई एम एडिंग सॉल्ट जस्ट मिक्स इट आपका डिश का नाम क्या है ये अब उस चीज की रेसिपी बता रही है ये है स्पेनिश नेनुआ करनी है गैस ऑफ अच्छा से गल दिया बस उसको ये करना है भूलना तो बंद कर दीजिए गैस ऑन नहीं है ना टन टन हमारा चिकन सॉरी पोटैटो नगेट्स रेडी है और यहाँ पर सारी चीज़ें बन चुकी हैं यहाँ पकौड़े मैंने बना लिए हैं और साथी ने बनाए हैं पोटैटो नगेट्स चना का सलाद है फ्रूट सलाद है रूहअफ़ज़ा का शरबत खजूर और सारी चीज़ें यहाँ पर हमने दस्तखान में निकाल ली हैं अब दुआ करते हैं और फटाफट से इफ्तार करते हैं ईशा की नमाज़ मैंने पढ़ ली है और अब यहाँ पे मैंने ये सारे कबाब तैयार कर लिए अब बस इसे फ्राई करना है और खाने की तैयारी करने वाली हूँ तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड कर रहे हैं मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ है। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक ज़रूर करिएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए टेक केयर अल्लाह हाफिज़।